तो ऑलराइट गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ 5 गेम्स जस्ट लाइक GTA 5। अब GTA 5 जैसे गेम्स ढूंढना वैसे तो बहुत मुश्किल है। अगर तुम लोग वो लो एंड PC में ढूंढना चाहते हो तो इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, वो तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं जो सारे गेम्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो सारे के सारे मिड एंड PC टू हाई एंड PC के लिए है। तो अगर लो एंड PC वाले हो तो उनके लिए यहाँ पर तो कोई पर्टिकुलर गेम नहीं है। नंबर 5 में आता है RDR2 या फिर रेड डेड रिडेम्पशन 2। बहुत सारे लोग RDR2 के बारे में ऐसे ही जानते हैं, पर जो लोग नहीं जानता वो लोग ध्यान से सुन लो। जो लोग रॉकस्टार गेम्स के बहुत बड़े बड़े फैन हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, रॉकस्टार बेसिकली ग्रैंड थेफ्ट, रॉबरी, गैंगस्टर, इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं। तो RDR2 भी कुछ उसी पर ही बेस्ड है, जहाँ पर अमेरिकन का पुराना कल्चर काउबॉय कल्चर को दर्शाता है। अब इसी काउबॉयज में आप भी एक होते हो जो एक अपना गैंग बनाते हैं। आपको यहाँ पर मार पिटाई, खून खराबा, चोरी, रॉबरी, ट्रेन में रॉबरी, सिटी रॉबरी, ये सारे काम करने पड़ते हैं, जस्ट लाइक अबाउट GTA 5। बट यहाँ पर एक बहुत ही खास चीज़ है, ये है कि RDR2 ना असल में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। इतना रियलिस्टिक है कि असली जिंदगी भी शर्मा जाए। मतलब आपके गालों पे बाल उगेंगे, आपके मूछे आएंगे, आपको टाइम टू टाइम बार्बर शॉप जाकर उससे कटाना होगा, और इसके साथ साथ आपको नींद लेना होगा, खाना खाना होगा, और ऐसे बहुत सारे चीज़। मतलब कह सकते हो ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल टाइप का गेम हो गया है ना। हमारा नेक्स्ट गेम का नाम है मेटल गियर सॉलिड। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स तो वैसे हैं, पर मैं उनमें से आपको रेकमेंड करूंगा फैंटम पेन या फिर जीरो, ग्राउंड जीरो जो कहते हैं। अब देखो, ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है जहाँ पर आपको हाई टेक्नोलॉजी का गन्स मिलेंगे, आपको वहाँ पर हॉर्स या फिर हेलीकॉप्टर्स भी मिलेंगे ट्रैवल करने के लिए, और आपको बहुत सारे ऐसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिलेंगे जो आपको नए नवेरे गेम्स में भी नहीं मिलता। अब देखो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, आपके पास बहुत सारे ओपन एंडेड मिशंस होंगे। मतलब आप जो मिशंस करेंगे उसमें एंडिंग बहुत सारे हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उसका एंड कैसे करवाते हो। इससे आप लोग कह सकते हो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी के ऊपर तो फोकस नहीं किया गया है, पर अगर आप लोग उसे अपने खुद की तरीके से स्टोरी बना सकते हो तो मज़ा ही आ जाएगा यार गेम खेलने के लिए। हमारा नेक्स्ट गेम का नाम है द विचर 3। विचर 3 इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप लोगों के मुंह पे ही सुन सकते हो विचर 3 के बारे में। पर विचर 3 का बेसिक है पोलिश नॉवेल्स के ऊपर, मतलब जो फैंटेसी होते हैं ना या फिर माइथोलॉजी आप लोग कह सकते हो, उसी सारे नॉवेल्स के ऊपर बेस्ड है विचर 3। तो इसका रियल टाइम कॉम्बैट बहुत बढ़िया है, इसका ओपन वर्ल्ड भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग अभी तक इस गेम को ट्राई नहीं किया है तो कर सकते हो, मैंने भी इसे खुद खेला है, मतलब OP गेम है। अब हमारा नेक्स्ट गेम का नाम है वॉच डॉग्स 2। अब वॉच डॉग्स 2 भी खेल सकते हो, आप वॉच डॉग्स भी खेल सकते हो। वॉच डॉग्स लीजियन खेलना शायद हाई एंड PC के लिए, हम लोगों के लिए जैसे इम्पॉसिबल ही है, पर अगर आप लोग वॉच डॉग्स 2 या फिर 1 खेलते हो तो एक बहुत मतलब बहुत बढ़िया ओपन वर्ल्ड गेम है, जहाँ पर आप लोग हैकिंग का भी यूज़ कर सकते हो। हैकिंग एक बहुत बड़ा वेपन होता है जो आप लोग इंस्टेंटली किसी का भी PC, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिसेबल कर सकते हो। अगर मैं सही बताऊँ तो ये गेम यार बहुत फैसिनेटिंग है। अगर आप लोग हैकिंग में बहुत मस्त हो तो आप लोग ये गेम जरूर ट्राई करना, और अगर एथिकल हैकिंग भी आप लोग जानते हो तो मुझे भी सिखा देना। हमारे अगले गेम का नाम है सेंट्स रो 4। बहुत सारे लोग को पता है सेंट्स रो के बारे में, बहुत फैंटास्टिक गेम है। यहाँ पर कुछ भी मतलब सीरियसली नहीं लिया जाता, मतलब इसका जितना एक्सटेंडेड फिलोसॉफी है उतना ही आप यहाँ पर प्रेसिडेंट भी बन सकते हो, एलियन इन्वेशन भी हो सकता है, आप भिखारी भी बन सकते हो, मतलब ऐसे ही कह रहा हूँ। वैसे गेम बहुत बहुत ज़्यादा OP है, यहाँ पर बहुत सारे एलियन टेक्नोलॉजी को भी दिखाया गया है, फ्यूचरिस्टिक भी है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा इसमें कोई भी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया जाता। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही, होप आप लोग अच्छे रहो, और मैं ना आज ठीक से वीडियो नहीं बना पाया, मेरा तबीयत फिर से बिगड़ गया है उस कोविड वैक्सीन की वजह से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।